वाइट्स हैं, ठीक है। ये एप्पलो रोज वाटर है, ये अराउंड मुझे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कुछ कुछ सा। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू आवर न्यू, दिस इज हिजी विजी व्लॉग्स। सो गाइस, सो गाइज, विदाउट फॉर द एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विथ स्वैग। और एक बात जो मैं बोलना भूल गई वो ये है कि ये जो वीडियो है मैंने उस दिन शूट किया था जिस दिन मैं वो जो फेशियल का स्किन केयर का जो वीडियो मैं बना रही थी, तो उस दिन क्या हुआ कि ये वीडियो इतना लेंथ हो गया, तो एक ही वीडियो में इतना लेंथी वीडियो मैं नहीं दे सकती, इसलिए वो ही पार्ट मैं आज इस चिपका के आपको दिखाऊंगी। सो आप देखते रहो। तो पहला जो है ये एक वाइट्स है, ठीक है, ये एपलो में अवेलेबल है, ये 100 रुपीज में 3 आता है। तो ये 3 मैंने, मतलब ये तीनों चीज़ें मैंने ख़रीदा है 100 रुपीज़ में। और उसके बाद ये भी एपलो का है, एक रोज़ वाटर है, ये अराउंड मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा है। हाँ, और ये एक मस्कारा है मैंने जो रिसेंटली परचेज किया है, आपको दिख रहा है नहीं पता, तो ये मेबलिन का है, आपको पता ही है। इसका प्राइस मुझे याद नहीं है, 500 के अराउंड मुझे पड़ा है। इसमें लिखा हुआ है 449, तो समझ सकते हो। और ये एक एरोमा मैजिक का ये फेस वॉश है जो मैंने ख़रीदा है, इसका प्राइस है 105, तो ये भी मुझे डिस्काउंट में एज 90 और 95 ऐसा ही पड़ा है। और ये अगेन एक एरोमा मैजिक का स्किन लाइटनिंग क्रीम है जिसमें विटामिन सी है, ये मतलब ब्राइटनिंग जेल है, ये बहुत अच्छा है। इसमें SPF 30 भी है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली या फिर ऐसा कुछ है ना, मतलब ऑयल होता है या फिर टी जोन में ऑयल आता है आपको, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है समर सीज़न में, या मतलब क्या ही बोलूँ, समर सीज़न में, रेनी सीज़न में, ऐसे टाइप सीज़न में ये बहुत अच्छा काम करता है। और मैंने एक आईलैश ख़रीदा है जो कि मुझे 20 और 30 रुपीज़ में मिला था, और ये 10-10 रुपये में, और किधर गया मैं पता नहीं। एक स्क्रब भी है, देखो उनको मिलाती हूँ। सो गाइज, अगर आपको 10 रुपये में, मतलब 10 रुपये के अंदर कुछ स्किन केयर करना है तो आप डेफिनेटली ये यूज़ कर सकते हो। ये नीम पैक है 10 रुपये का, हिमालय का है, और ये मुझे 10 रुपये का हिमालय का मिलता है, यू नो, पिल ऑफ मास्क, बट दुकान में शायद था नहीं तो मैं नहीं ला पाई, तो मैंने एवरयूथ का ये पिल ऑफ मास्क ख़रीदा, ये 15 रुपीज़ में आता है। और ये स्क्रब है, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। हिमालय का एक ये मतलब नीम स्क्रब आता है और ये वॉलनट का आता है, पहले मैं वॉलनट का यूज़ करती थी, बट जिस दिन से मैंने ये मतलब यूज़ किया है ना, आपको मैं एक और वीडियो में दिखाऊंगी, मेरा स्किन, मतलब मैं जो बौखली गई थी वहाँ पे मेरा जो स्किन मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, तो मतलब मैं बर्न हो गई थी, मेरा स्किन एकदम जल गया था, छाले पड़ रहे थे, स्किन ऐसे ड्राई स्किन निकल रहा था मेरा, तो जो भी है, तो ये बहुत ही अच्छा है। इसमें एक आपको तो पता ही है, 10 या 15 रुपये में फेस वॉश आ ही जाता है हिमालय का, तो वो यूज़ करने के बाद आप ये सब यूज़ कर सकती है, थोड़ा सा एलोवेरा जेल लगा के। और ये पील ऑफ मास्क चारकोल, ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, ये मुझे 42 नहीं, वो अंकल मुझे 34 या ऐसा कुछ रुपये में दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। पील ऑफ मास्क के मैं अगर कंपेयर करूँगी इससे और इससे, तो ये अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपके जो मतलब फेस में छोटे छोटे जो हेयर होते हैं ना, उसको भी ये रिमूव कर देता है, तो मैं यही बोलूँगी, ये इसमें और इसमें आप कंपेयर करोगे तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। और मैंने एक कॉटन बॉल की पैड ख़रीदा है जो मुझे पड़ा है 49 रुपीज़ में, और ये कितनी छोटी छोटी सा कलरिंग सा, ये पिंक है, ये स्काई है, मुझे बहुत पसंद है, तो ये कॉटन बॉल्स के पैकेट मैंने ख़रीदा है। ये फिटमी का एक कॉम्पैक है जो मैं दिखाती हूँ, ये है मेरा शेड, मुझे पता नहीं था जो दुकान में जो
एक लड़की थी, उसका नाम पायल है। तो वो मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब उन्होंने ही मुझे ये सारी चीज़ें सजेस्ट किया है। मेरा स्किन जो वहाँ से आके यहाँ पे आके जो ठीक हुआ है उनके वजह से ही है। सो थैंक यू। अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो पायल, तो आपको अभी मैं बोल रही हूँ बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे शेड पता नहीं था इसका, क्योंकि मैंने फिटमी का नहीं यूज़ किया, लैक्मी का यूज़ मैं करती थी हमेशा। इसमें भी SPF है क्या, इसमें पता नहीं, देखना पड़ेगा। SPF यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, PA++। ये ऑयल कंट्रोल है जो कि बहुत अच्छा है, एक मैट फिनिश देता है फेस को। पायल दी को मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मुझे ये सारी चीज़ें, कुछ चीज़ें मतलब ये और एक ये, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था। और मेरा स्किन बहुत अच्छा है पहले से। और मैंने ख़रीदा 2 फेशियल रेजर, जिसका पैकेट मैंने ये यूज़ किया है, इस पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है यूज़। तो ये भी बहुत अच्छा है, मैं इसको यूज़ करके आपको दिखाऊंगी एक दिन वीडियो में। एक्चुअली मैंने वीडियो बनाए थे, डिलीट हो गए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है यूज़, ताकि मतलब मैं भूल ना जाऊँगी कौन सी मैंने यूज़ किया है और कौन सी एकदम नहीं है। ये 3 क्लचर्स है जो मैंने परचेस किया है, ये अराउंड 15 पर पीस था। ब्यूटी ब्लेंडर परचेस किया है, ये बहुत अच्छा है, ये मुझे 30 रुपीज़ की पड़ी है। ये अभी मतलब देखो कितना सॉफ्ट है, जब इसको मैं वेट करती हूँ ये ज़्यादा फूल जाते हैं। जब मैं कभी कोई मेकअप वीडियो शूट करूँगी ना, तब मैं दिखाऊँगी। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, कुछ सा। और एक लिप बाम जो कि मुझे 10 रुपये में पड़ा है, ये क्या ब्रांड है मुझे नहीं पता। और एक छोटा सा पॉन्स पाउडर, और ये वेट टिश्यू, ये ड्राई टिश्यूज है। तो ये सारी चीज़ें मैंने परचेस किया है जो कि मैंने दिखा, बोलना भूल गई। जो मैंने ये भी ख़रीदा है, तो ये है सनलाइट स्प्रे, ये भी अरोमा मैजिक का ही है। तो पायल दी ने मुझे सजेस्ट किया था ये, उन्होंने मुझे कहा था एज अ, आप समर में कहीं भी जाते हो आप हमेशा एज अ क्रीम तो आप नहीं, मतलब ऐसे रास्ते में आप ऐसे यूज़ तो नहीं कर सकते ना, तो उसके लिए आप ये स्प्रे ले लो, ऐसे स्प्रे कर लो 2-3 घंटे बाद तो इट्स मतलब क्या है बोलूँ, ये बहुत ईजी है। तो ये सिर्फ और सिर्फ फेस के लिए नहीं है, ये हेयर के लिए भी है। उन्होंने जब मुझे कहा था, मुझे लगा था कि क्या ही बोल रहा है, मतलब ये चीज़ हेयर में हम कैसे मतलब दे सकते हैं। और उन्होंने मुझे ये भी बताया था, जो हम लोग हेयर्स पे यूज़ करते हैं ना अपने हेयर को सेट करने के लिए, ये उसका भी काम करता है। मैंने खुद यूज़ मतलब करके मैं बोल रही हूँ, ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ कि आप भी कर लो, बट हाँ ये करता है। सो गाइज, आज का वीडियो यही तक था, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे और बहुत अच्छी वीडियो आपको मिलेगी अभी गाइज। सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।